हेलो एंड वेलकम टू रसोई सास बहू की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट ढोकले की रेसिपी। यह ढोकला बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट और स्पंजी होता है। साथ ही इसे बनाने में ना ही आपको पहले से कोई प्रिपरेशन की जरूरत है और यह बिल्कुल कम समय में आराम से तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए हमने अपने घर की रेगुलर कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया है। उसी कटोरी के नाप से हमने लिया है 2 कटोरी पानी। बेसन में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही हम अपने पानी में अब ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टेबल स्पून नींबू सर, जिसे हम साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लें। चीनी नमक पूरी तरह से घुल जाना चाहिए। हमारे पानी में नमक और चीनी पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने बेसन में डालें और घोल तैयार करें। घोल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि घोल में बिल्कुल भी लम्स ना आए। देखिए हमारा घोल बिल्कुल तैयार है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। आपको इस घोल में पानी को थोड़ा थोड़ा कर डालना है। आपके बेसन पर डिपेंड करता है कि आपका पानी पूरी तरह से लगेगा या कभी कभार हो सकता है कि आपकी पानी थोड़े से बच जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। इसे आपको लगातार एक ही दिशा में फेंटना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड तेल 2 टेबल स्पून। इसे भी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब हम अपने ढोकले के घोल को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड में रख देंगे। हमारा घोल जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपने स्टैंड में ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। हमने इडली के सांचे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी प्लेट में भी ढोकला बना सकते हैं। हमें अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस करना है। इसी बीच हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। हमारे घोल को 5 मिनट का रेस्ट मिल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और बहुत फेंटें। आप देखेंगे कि हमारे घोल का कलर धीरे धीरे चेंज होगा और वो फुलकर भर जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा घोल कितना फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसे लगातार फेंटते रहें। हो सकता है आपको अपने हाथों में हल्का दर्द भी फील हो, लेकिन इसे आपको 2 से 3 मिनटों तक लगातार फेंटते रहना है। हमारा घोल पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे स्टैंड में डालेंगे। इसी तरह करके हम अपने सभी स्टैंड में ढोकले का घोल डालते जाएंगे। हमारा पानी पूरी तरह से गर्म हो चुका है, उसमें उबाल आ चुका है। अब हम अपने स्टैंड को कुकर में सेट कर देंगे और इसकी लीड को लगा देंगे। हमें इसे करीब 12 से 15 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो चुका है। आइए लीड हटाकर देखते हैं
कि हमारा ढोकला तैयार हुआ है या नहीं। नाइफ की सहायता से हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं कि यह बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अगर नाइफ में आपका ढोकला चिपके तो इसका मतलब है कि आपको 2 से 3 मिनट अपने ढोकले को और पकाना है। हम अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, चलिए हम छौंक तैयार करते हैं। छौंक तैयार करने के लिए हमने तड़के पैन को गैस में चढ़ा दिया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई। इसे चम्मच की सहायता से मिलाएं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे राई 1 छोटा चम्मच, इसे अच्छी तरह से आपको मिलाना है। जैसे ही यह चटकने लगे हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने 1 बड़ी कटोरी इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। आपको जितने छौंक की आवश्यकता है आप उस हिसाब से पानी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दें। हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है। चम्मच की सहायता से हम अपने ढोकले को एक एक पीस कर निकाल लेंगे। इसी तरह हमें अपने सभी ढोकलों को निकाल लेना है। हमने जो छौंक तैयार किया है उसे हम अपने ढोकले के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह सभी ढोकलों पर धीरे धीरे डालें। साथ ही इसे हम धनिया पत्ती के साथ गार्निश करेंगे। मार्केट जैसा सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज इंस्टेंट ढोकला रेडी है, तो इसे घर पर जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा। आप देख सकते हैं यह कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल कम समय में बाजार जैसा ढोकला। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।